तैनात कर दिए बड़े सर्कल के अंदर लगभग 4 खिलाड़ी हैं। नो बॉल लेग अंपायर की ओर से, नो बॉल लेग अंपायर की ओर से, नो बॉल, नो बॉल लेग अंपायर ने नो बॉल कहा है। तो ये स्कोर आगे बढ़ता है 22-122। स्कोर इसी के साथ 22-122। फ्री हिट, अगली गेंद फ्री हिट होगी। स्कोर 22। अगली गेंद फ्री हिट होगी, अगली गेंद फ्री हिट होगी। देखना होगा कि निर्मल इस फ्री हिट का कितना लाभ उठा पाते हैं। फ्री हिट, अच्छा स्ट्रोक। दो खिलाड़ी के बीच से गेंद को निकलना चाहते थे, फिर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। कमजोर थ्रो था, थ्रो काफी कमजोर था। दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, कोई विशेष फायदा नहीं मिला, सिर्फ दो रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24। अब लगता है निर्मल काफी खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेट होने के लिए अपना समय जरूर लिया था उन्होंने, 5 डॉट गेंद के बाद पहला चौका लगाया था, लेकिन इस बार रनआउट का खतरा हो सकता है। सीधा थ्रो और आउट, सीधा थ्रो स्टंप पर और इसी के साथ आउट, और इसी के साथ राज आउट। रन आउट बहुत ही कम नसीब तरीके से, काफी आगे निकल चुके थे, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो 24 पर लगने वाला ये दूसरा झटका, राज रन आउट, राज रन आउट, राज जो कि विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी ही वाज रन आउट। किसी भी गेम का उन्होंने सामना नहीं किया था, बहुत ही कम नसीब तरीके से रन आउट हुए। और उत्साह में आ गई है इस समय टिप-टॉप टाइगर्स। कप्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। सभी हुई शुरुआत 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर जारी है और अब नए बल्लेबाज करण, करण इस समय क्रीज पर आ रहे हैं। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत चल रही है। तो जिमी योगी, हालांकि उनको विकेट लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन रन आउट हुए थे इनकी गेंदबाजी पर। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर रिमेन्स ऑन 24। अब अगले चक्रव्यूह के बारे में चर्चा विचारणा वहां पर हो रही है। भाई जरा ग्रुप मीटिंग ओछी कर सो, आज घनी बड़ी मैच रमवानी है, तो ग्रुप मीटिंग न करवा माटे विनंती। केतन आए हैं बॉलिंग पर, केतन। द मैच इज ऑन द हाफ वे स्टेज, चौथा ओवर अब शुरू होने जा रहा है। मैच अभी भी खुला हुआ है। अब स्ट्राइक संभालेंगे करण, जो कि अभी भी क्रीज पर आए हैं। शुरुआत के क्षण किसी भी बल्लेबाज के लिए परीक्षा के क्षण होते हैं। अगर पहली गेंद उनको डॉट बॉल खिलाई तो फिर ये थोड़े दबाव में रहेंगे, लेकिन पहली गेंद पर अगर बड़ा स्ट्रोक खेला तो फिर ये भारी पड़ सकते हैं। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उनकी पहचान है, छोटा कद है लेकिन बहुत ही मजबूत कंधे और बहुत ही मजबूत इरादों के साथ क्रीज पर उतरे हुए हैं। केतन पहला ओवर करेंगे हमारी ओर से और इनका सामना होगा करण की बल्लेबाजी से। नॉन स्ट्राइकर निर्मल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब राउंड विकेट, गेंद काफी देर तक हवा में और इसी के साथ आउट। काफी उछलती हुई गेंद पर छेड़खानी करने की कोशिश की थी, बल्ले का मुंह खोल दिया था उन्होंने। वर्टिकल स्ट्रोक और इसी के साथ पॉइंट के स्थान पर गेंद हवा में थी और पहली गेंद पर आउट हुए करण। 24 पर इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिरा है, तू चल मैं आऊ। सभी बल्लेबाजों ने अपनी अपनी डफली बजाई और अपने अपने राग आलापे। करण आउट और अब नए बल्लेबाज दीप। अब इस जोड़ी पर बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। दीप ने कैच लिया, दीप आए हैं क्रीज पर।
यस ने कैच लिया था पॉइंट पर। केतन एक बार फिर से एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं राउंड द विकेट बॉलिंग। अच्छा स्टार्ट और ये दो गेंदों पर दो विकेट, दो गेंदों पर दो विकेट, बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग केतन ने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, गेम चेंजर खिलाड़ी लग रहे हैं। इसी ओवर में मैच का पसरा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 पर पहला विकेट गिरा था रनआउट के रूप में जिमी की गेंदबाजी पर, और केतन ने जब गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है तो दो गेंदों पर दो सफलता उनको मिली है। अब आने वाली गेंद हैट्रिक बॉल होगी लगता है, इसी मैदान पर शायद ये पहला हैट्रिक हो सकता है। अगर इसी गेंद पर विकेट चपकाए तो ये आज के दिन का और इसी टूर्नामेंट का इसी मैदान पर ये पहला हैट्रिक होगा। रौनक आए हैं, नए खिलाड़ी रौनक, नए खिलाड़ी रौनक आ रहे हैं। तो कप्तान टिप टॉप टाइगर के कप्तान का ये फैसला टॉस जीतकर फील्डिंग करने का बहुत ही सही साबित हुआ है। 24 के ऊपर ये तीसरा विकेट गिरा है, 24 पर दो, 24 पर तीन और 24 पर ये चौथा विकेट गिरा। आने वाली गेंद हैट्रिक बॉल, आज रविवार छुट्टी का दिन और सेमीफाइनल और फाइनल मैच आज होंगे तो बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर उपस्थित रहेंगे। हल्के हाथों से गेंद को खेला, एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी और ये सिंगल। तो काफी विश्राम के बाद स्कोर एक कदम आगे बढ़ते हुए 25-25, बहुत ही कसावट भरी गेंदबाजी केतन की ओर से, कोई आजादी नहीं मिली। अब कांटे की टक्कर होगी, निर्मल और केतन एक बहुत ही अच्छे इनफॉर्म बल्लेबाज लग रहे हैं। और जहां केतन इसी ओवर में दो विकेट राउंड विकेट बॉलिंग करते हुए चिपका रहे हैं, अब बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए एक बार फिर से राउंड विकेट ही आक्रमण जारी रखेंगे। नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन फील्डिंग में थोड़ी तब्दीलियां हो रही है। काफी सुहावना मौसम है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हल्की हल्की धूप मैदान पर खेली हुई है। पहला राउंड इसी मैदान पर साई वॉरियर्स वर्सेस टिप ऑफ टाइगर के बीच में चल रहा है। राउंड विकेट आक्रमण जारी रखेंगे और इस बार अच्छी बॉल पुल, गुलेंस पर टप्पा खाने के बाद स्टंप के ऊपर से निकलती हुई गेंद, हालांकि उसको अंदेजा था कि शायद बाहरी किनारा लिया होगा बल्ले का, लेकिन अंपायर इस अपील के साथ सहमत नहीं हुए, अपील को खारिज कर दिया, डॉट गेंद साबित हुई। बहुत बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ, केतन पिक ऑफ द बॉलर्स, और इस बार अच्छा ग्राउंड कवर किया, बहुत ही चपलता दिखाई, काफी तेजी के साथ अपनी दाहिनी और मुड़ते हुए गेंद को तुरंत अपने कब्जे में कर लिया था। बहुत अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डर। स्कोर रिमेंस ऑन 25, एक रन देकर इस ओवर में दो विकेट उन्होंने लिए हैं। तो बहुत अच्छा ओवर, एक रन और दो विकेट इसी ओवर में केतन, एक रन देकर दो विकेट उन्होंने लिए, मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। चार ओवर की समाप्ति पर 25 रन, चार ओवर की समाप्ति पर 25 रन, चार विकेटों के नुकसान पर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कप्तान ने डिसीजन लिया था, टिप टॉप टाइगर्स ने टॉस जीतकर जो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, ये फैसला काफी हद तक सही साबित हो रहा है। एकमात्र निर्मल जो कि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, वो एक सुर को उन्होंने संभाल के रखा है और उनका निजी स्कोर, निर्मल एक चौका और एक दुग्गे के साथ 6 रन पर खेल रहे हैं। सर्वाधिक स्कोर बनाने का श्रेय प्राप्त हुआ है एसपी को, जिन्होंने 15 रनों का योगदान दिया था, लेकिन इसके बाद सेकंड है स्कोर है निर्मल, ही इज ऑन 6। स्ट्राइक संभालेंगे रौनक, और गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, जिमी आए हैं बॉलिंग पर, जिमी लगातार ये उनका दूसरा ओवर, अपील और आउट, अपील और आउट। कई खिलाड़ी इस मैच में अपना खाता तक नहीं खोल पाए, करण हालांकि थोड़ा सौभाग्यशाली रहा, एक रन का योगदान उन्होंने दिया था। तो ये पांचवा विकेट गिरा,
आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की और अपने शतक से केवल 99 रन की दूरी पर आउट हुए। ही इज अवे 99 शॉर्ट ऑफ सेंचुरी। जिमी, ये पहला विकेट, जिमी का पहला विकेट उन्होंने लिया है। इससे पहले एक ओवर की बॉलिंग उन्होंने की थी 7 रन देकर, कोई भी सफलता उनको नहीं प्राप्त हुई थी। ये उनका पहला शिकार 25/5 इसी मैदान पर। आज दूसरा मैच होगा परिधि पेंटर्स वर्सेस रैम्बो पवेलियंस। आज इसी मैदान पर अगला मैच होगा परिधि पेंटर्स वर्सेस रैम्बो पवेलियंस। रैम्बो पवेलियंस के मैच दूसरा मैच इसी मैदान पर होगा। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीलियां चाहते हैं, बहुत ही रक्षात्मक फैली हुई फील्डिंग। सर्कल में 4 खिलाड़ियों का रहना बहुत जरूरी रहेगा। सुबह का टाइम है लेकिन ये सूरज जो है हमारा वो मध्यांतर पर है। 4 छक्के लगाकर उन्होंने एक मैच जेताऊ पारी खेली थी। कल 4 छक्के लगाकर उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी। आज ऐसी पारी की सख्त जरूरत है साई वॉरियर्स की टीम के लिए कि सूरज कल का कारनामा फिर से दोहराए और अपनी टीम को एक मजबूत स्थान पर रखे। 4 छक्के, अच्छी बॉल थी, बिल्कुल ब्लॉक रन में पैड से टकराई और लेग बाई का असर अंपायर की ओर से 26 रनों का काउंट डाउन। अब धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ रनों का ग्राफ। पिछले 2 ओवर में सिर्फ 1-1 रन बने हैं। आपको मिलाकर निर्मल को अब सीनियर बल्लेबाज है, काफी समय से ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए थे। अब इनकी जिम्मेवारी होगी कि इस ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है तो ऐसी परिस्थिति में उनको अब इस चैलेंज को स्वीकार करना होगा कि तिथि के साथ रन बटोरे, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हुक्म के पत्ते हाथ में रह जाते हैं और पारी समाप्त हो जाती है। इससे बेहतर थोड़ा ब्लाइंड गेम भी खेल ले। निर्मल और इसी के साथ आउट, और इसी के साथ निर्मल आउट। बहुत ही आसान गेंद थी, फुल टॉस गेंद पर आमतौर पर बड़े स्ट्रोक लगते हैं लेकिन इस बार पूरी तरह से चौके, थोड़े इरेटिक यानी कि थोड़े उत्तेजित हो गए थे। और इसी के साथ ये छठा झटका लगा, कमजोर गेंद पर आउट होना शोभा नहीं देता निर्मल जैसे एक एस्टैब्लिश बल्लेबाज को, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला, फुल टॉस गेंद पर आउट। तो जिमी का ये दूसरा विकेट, निर्मल जो कि प्रारंभिक बल्लेबाज की भूमिका में क्रीज पर आए थे और कुल मिलाकर 5वीं ओवर में आउट हुए। अब इनके स्थान पर नया है नए बल्लेबाज मयूर। मयूर सामना करेंगे अब बॉलिंग आक्रमण का, जो कि जिमीत इस ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं। उनको 2 विकेट लेने का सौभाग्य मिला है, एक खिलाड़ी इनकी ओवर में रन आउट भी हुआ था। सफलिंग करते हुए अंदर आए, स्टंप को कवर किया और 1 रन के लिए दाव पड़े दोनों खिलाड़ी। 27 बहुत ही प्रभावशाली बॉलिंग जिमी की, पहले ओवर में 7 रन और कोई विकेट नहीं मिला था उनको। इसी ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, ही गेम चेंज उन्होंने कर दी है। और अब सूरज बहुत ही नजदीकी की नजर से देखा, झांचा परखा और गेम को जाने दिया। तो जिमी ने इसी के साथ अपना स्पेल खत्म कर दिया है। जिमी 2 ओवर 9 रन और 2 विकेट। जिमी की बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर 9 रन और 2 विकेट, 5 ओवरों की समाप्ति पर 27 रन। 5 ओवर 27 रन, अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है और सूरज जो कि कल के हीरो हैं, देखना होगा कि आज किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते हैं। बहुत ही सख्त जरूरत है बड़े स्ट्रोक की
और सूरज कैपेबल है अपनी टीम को इस मुश्किल से निकाले, लेकिन इस समय नॉन स्ट्राइकिंग पर आ रहे हैं। स्ट्राइक पर होंगे मयूर, स्ट्राइक पर होंगे मयूर। छह विकेटों के नुकसान पर 27। बॉलिंग पर केतन आए हैं, बॉलिंग पर केतन। लगातार उनका ये दूसरा ओवर होगा। पहले ओवर में एक रन देकर उन्होंने दो विकेट ली थी। अब राउंड विकेट एक बार फिर से ये कमन उनका बहुत ही कड़ाके का स्ट्रोक, लेकिन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। 27 ये छठा ओवर जारी है, छठे ओवर की शुरुआत हो गई है। 17 गेंदों का खेल बाकी इस पारी के दौरान। नीरज मुख्य अंपायर, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आ रही है और इसी के साथ सिंगल। लॉन्ग ऑन की तरफ बहुत ही कड़ाके का स्ट्रोक, लेकिन तुरंत कब्जे में कर लिया था फील्डर पांचाल ने। स्कोर अगर बढ़ता है 28। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रनों का ग्राफ काफी नीचे आ रहा है, काफी नीचे आ रहा है। बहुत ही नियंत्रित बॉलिंग और बीच बीच में जो विकेट का पतन हुआ है, जिसका असर हुआ बैटिंग लाइन के ऊपर, और इसी के साथ डॉट गेंद और इसी के साथ डॉट बॉल। गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन पहुंच से बाहर। गेंदबाज और विकेट कीपर दोनों की पहुंच से काफी बाहर थी। प्रयास जरूर किया था विकेट कीपर ने, डाई हार्ट उनका ट्राई था, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला। और इसी के साथ केतन इस बार छेड़खानी करने की कोशिश, वाइड घोषित की अंपायर नीरज। स्कोर आगे बढ़ते हुए 29। बहुत ही सुहावना मौसम है इस बार, और आज संडे को निश्चित रूप से यहाँ की जो पब्लिक है, सुपर संडे बनाएगी इस मैदान पर। और अगर कोई टीम अगर कोई दर्शक किसी वजह से मैदान पर नहीं आ पाए, तो उनके लिए लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई है। स्कोर 29। केतन एक बार फिर से मुड़े हमसे दूर भागते हुए, राउंड विकेट बॉलिंग। काफी बीट कर रहे हैं, काफी बीट हो रहे हैं वहां पर सूरज। कल का कारनामा दोहराना बहुत ही जरूरी है, समझदार खिलाड़ी है। परिस्थिति के अनुसार कल उन्होंने जो मैच जिताओ पारी खेली थी, बहुत ही यादगार पारी थी, लंबे समय तक दर्शक उनको याद करेंगे। लेकिन आज उनका प्रयास काफी हाफ हार्टेड लग रहा है। तो इसी ओवर में सिर्फ दो रनों का इजाफा, छह ओवरों की समाप्ति पर 29। तीन ओवरों की समाप्ति, मैं आपको बता दूं, तीन ओवरों की समाप्ति पर दो विकेटों के नुकसान पर 24 रन थे। इस बार छठा ओवर अभी भी समाप्त हुआ है, 29 पर 6। चौथे ओवर में एक रन, पांचवें ओवर में दो रन और छठे ओवर में भी दो रन। तो यह रनों का ग्राफ लगातार नीचे उतरता हुआ। टिपटॉप टाइगर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर काफी सोच विचार करते हुए पहले फील्डिंग पसंद की थी। गेंदबाज ने और फील्डर्स ने खास करके इनके विश्वास को सही ठहराया। स्टंप जरूर दिखे दिए, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे खिलाड़ी। सिंगल के साथ 30। अंकित आए हैं बॉलिंग पर, सेकंड लास्ट ओवर। और अब सूरज, पहले छक्के का इंतजार है इनके बल्ले से निकलने वाले। सूरज 8 डॉट गेम खेल चुके हैं आज, 8 डॉट गेम। कल के हीरो आज अपना परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। प्रीडिटरमाइंड शॉट और इसी के साथ ड्रॉप, 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 ड्रॉप।
दूसरे रन के लिए पलटे, दूसरे रन के लिए पलटे, गेंद को हाथ में कैच लिया था लेकिन स्थिर नहीं रख पाए, गेंद को हाथ में स्थिर नहीं रख पाए, तो ये बहुत ही मुश्किल कैच जरूर था, लेकिन अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से चार रन बचा लिए उन्होंने। तो दो रनों के साथ उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है, स्कोर 32 रन 32। अंकित एक बार फिर से दो रनों के बाद फिर से डॉट गेंद, यानी कि 10 गेंद और 2 रन। ये क्रिकेट कितना अजीबो गरीब खेल है। कल जिनके नाम की दुहाई दे रहे थे प्रेक्षक और कल के हीरो थे, मैच जिताऊ पारी खेली थी 4 सिक्सर के साथ, लेकिन आज अपना खेल नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। एक बार फिर से एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी, हरे सिंगल 33 33। सुबह की नमी का फायदा उठाया गेंदबाजों ने, और बहुत ही टाइट फील्डिंग की भी प्रशंसा करनी होगी। 34 रन, तो 5 रन, पहली बार 3 से ज्यादा रन बने हैं 7वें ओवर में। अंकित की बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर 11 रन और कोई भी सफलता नहीं मिली। अंकित 2 ओवर 11 रन और अब तक उनको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। दो ओवर और 34 रन 2 ओवरों की समाप्ति पर 34 रन 7 ओवरों की समाप्ति के बाद। आठवां और अंतिम ओवर लेकर आए हैं तरुण। हेलो तरुण, पहली बार बॉलिंग करेंगे तरुण। अपने भाई जरा कमर पर नाम लिखिए, अब जो करना हम लोग लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कागज गुम हो गया। ये 8वां ओवर अब शुरू होने जा रहा है। तरुण अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर बॉलिंग करेंगे और इस बार अंजलि ने किनारा लगा गेंद विकेट की चकमा देती हुई लेग स्लिप की तरफ गई थी और इसी के साथ सिंगल 35 35। और अब सूरज रजिस्ट्रेशन लग जो है 35 35। सूरज आज कहीं कुछ गलत हो रहा है, ये बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है लेकिन लगता है आज इनके सितारे गर्दिश में है। सूरज आज चमक, इसकी चमक काफी फीकी लग रही है सूरज की। कल बहुत अच्छी पारी खेली थी, हमारे पास शब्द नहीं थे तारीफ करने के लिए, लेकिन आज इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही उभरते हुए खिलाड़ी, बोल्ड और इसी के साथ आउट, और एक और विकेट का पतन हुआ है, 7वां विकेट गिरा है। ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमारे जो डिजिटल स्कोरर है ऋषि रोशन, हमारे कैमरामैन और मयूर, तो हमारे जो कैमरामैन और उनकी टीम है जो लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर देख रहे हैं, 3 हमारे महारथी हैं, ऋषि स्कोरर हैं, रोशन कैमरामैन और मयूर टेक्नीशियन है। तो हमारे जो ऑफिशियल स्कोरर है श्रीकांत और मैं खुद अमर देसाई, हेमंत आए हैं, घूमकर मारने की कोशिश की और शरीर के साथ टकराई और इसी के साथ रन आउट, और एक पहले गेंद पर रन आउट हुए। हेमंत आउट
ये आठवां विकेट गिरा, आठवां विकेट गिरा, टेल एंडर्स आर कमिंग एंड गोइंग। अब आए हैं भाई बैट्समैन उठो के संकेत, हाँ त्यार ना आए होते संकेत। लास्ट मैन, आखिरी सलाम करने के लिए लास्ट मैन आ रहे हैं क्रीज पर। लास्ट मैन 36 है ना, हम तो 36 लास्ट मैन कमिंग आउट, कौन थी संकेत आउट, आखिरी बल्लेबाज क्रीज पर आ रहे हैं लालू, आखिरी सलाम करने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपना स्थान लेंगे। स्ट्राइक पर है मयूर और तरुण की बॉलिंग की शुरुआत होगी। 6 रन, बहुत ही कड़ाके का शॉट, लंदन के स्थान पर बहुत ही कड़ाके का शॉट 6 रनों के लिए, तो 42 रन, 42 टारगेट मिला है 43 का, टारगेट मिला है 43, 43 रन। ये मैच साइंग वॉरियर्स वर्सेस टिपटॉप टाइगर्स के बीच खेला जा रहा है। टिपटॉप 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना पसंद किया था और गेंदबाज सुकी और फील्डर्स की बहुत ही अच्छी मेहनत के कारण सिर्फ 42 रन स्कोर पर 10 हुआ, तो आखिरी गेंद पर 6 लगाता वरना ये स्कोर काफी सीमित हो सकता था। टारगेट मिला है टिप टॉप टाइगर्स को 43 रनों का, 43। आज लीग मैच के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। फोर्टी थ्री टारगेट। ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो दर्शक किसी वजह से इस मैदान पर अपने कदम नहीं रख पाए तो उनके लिए घर बैठे बैठे मोबाइल पर इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट देखने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए मेरे साथी स्कोरर ऋषि, हमारे कैमरामैन रोशन और मयूर जो कि टेक्नीशियन है, इन ये टीम के बदौलत आप ये टूर्नामेंट लाइव भी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण, जीवंत प्रसारण हुआ जा रहा है। तो इस बीच 43 रन के टारगेट को बचाने के लिए साई वॉरियर्स की टीम क्रीज पर आ रही है और हमें इंतजार है टिप टॉप टाइगर्स के प्रारंभिक बल्लेबाजों का। प्रारंभिक बल्लेबाज निकल पड़े हैं जिमी और भाई, ओपनिंग बैट्समैन का नाम
हाथ में मौजू छे तो कौन ए जिमी बॉलर निर्मल साइड निर्मल अब इस समय क्रीज पर है और लगता है वो ही पहले आक्रमण करेंगे। पहले दो ओवर पावर प्ले के होंगे। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कर सो कमेंट्री बॉक्स में। जिमी स्ट्राइक पर होंगे और नॉन स्ट्राइकर तरुण। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाली है निर्मल ने। निर्मल आए हैं पहला ओवर लेकर। पहले दो ओवर का खेल पावर प्ले का होगा। सिर्फ दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे। निर्मल पहली गेंद बहुत ही खराब गेंद थी लेकिन उस पर कोई भी स्कोर नहीं हुआ। फुल टॉस गेंद थी और कोई भी रन नहीं। तो शुरुआत में थोड़े आश्चर्यचकित भी रह गए थे जिमी। ऐसी गेंद की अपेक्षा नहीं थी उनको। गेंद हाथ से फिसल गई थी। बिल्कुल ब्लॉक होल में सही बॉलिंग। इस बार सही बॉलिंग बिल्कुल ब्लॉक होल में ठीक बल्ले के सामने टप्पा खाया था। ठिकाने पर गेंद फेंकी थी वहां पर गेंदबाज निर्मल ने। तो ये दो डॉट गेंद यानी कि पावर प्ले का समय चल रहा है। सिर्फ दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर एक लॉन्ग रन पर और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के स्थान पर। इस बार सही बॉलिंग तीन डॉट गेंद यानी कि आधा ओवर मेडन। ये पावर प्ले का समय है और आधा ओवर मेडन होना बल्लेबाजों के लिए कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। सिर्फ दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर लॉफ्टेड शॉट खेलना बहुत जरूरी है। एक बार अगर किसी फील्डर को बीट करे तो फिर ऑफ साइड में चौका मिल सकता है। स्क्वायर लेग की तरफ गेंद चलती हुई डीप स्क्वायर लेग के स्थान पर गेंद को रोका लेकिन तब तक एक रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ है। टिप ऑफ टाइगर्स 43 रन 43 इज अ मैजिक फिगर। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तरुण स्ट्राइक पर होंगे और इनके खिलाफ निर्मल अपनी अगली पेशकश पेश करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज फील्डिंग में काफी तब्दीली काफी हलचल मैदान पर। तरुण विल फेस फर्स्ट बॉल राउंड द विकेट बॉलिंग। ऑफ स्टंप पर निशाना बनाते हुए उन्होंने गेंद फेंकी थी बहुत ही ठिकाने पर। तरुण की गेंदबाजी में ज्यादा गति नहीं है लेकिन वे हमेशा लॉफ्टेड ठीक बल्ले के बल्लेबाज के ठीक सामने टप्पा खिलाते हैं। रफ्तार के सौदागर हैं। ऑल बाउंस हो गया है। पहले बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर। पहले बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 5 5th ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अंतिम गेंद पर चौका लगाते हुए अपना मुंह मीठा कर लिया था तरुण ने। और फिर से अब स्ट्राइक पर होंगे जिमी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इस टीम का स्कोर है 5 रन बगैर कोई नुकसान के। पहला ओवर अधूरा समाप्त हुआ है और अब दूसरे प्रारंभिक गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे संकेत आए हैं दूसरा ओवर लेकर। तीसरे रनअप के साथ बॉलिंग करेंगे। बहुत ही छोटा सा रनअप है उनका। गेंद को उठा दिया है। एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा की तरफ बहुत ही रफ्तार के साथ जा रही है। आउटफील्ड थोड़ा धीमा जरूर है लेकिन फिर भी गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। हर ये 4 रनों का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 9 स्कोर इज ऑन 9। तो पहली गेंद पर बहुत ही अच्छी शुरुआत। इस बार शानदार चौका लगाया। दोनों खिलाड़ी एक एक चौके लगा चुके हैं। पीछे हटकर गेंद को कट कर दिया पॉइंट की तरफ। कवर पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है और ये सिंगल। स्कोर 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ इसी के साथ 10 रन। तो एक सभी ही शुरुआत मिली है। टिप टॉप टाइगर्स टाइगर की दहाड़ अब सुनाई दे रही है।
टाइगर अगर दहाड़ेगा नहीं तो गेंदबाज डरेगा भी नहीं। और इस बीच वाइड बॉल, स्कोर 11 रन। जब बैंक बैलेंस कम हो तो खर्चा भी कम होना चाहिए, अतिरिक्त रनों पर काबू रखना होगा। और इस बार फाइनली की तरफ गेंद जा रही है, एक रन का दौर पड़े दोनों खिलाड़ी और उसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर, तो ये कड़ाके का स्ट्रोक 4 रनों के लिए 15। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 15। आज के दिन का ये पहला राउंड इसी मैदान पर चल रहा है, साई वॉरियर्स वर्सेस टिप टॉप टाइगर। इसी मैदान पर अगला मैच होगा परिधि पेंटर्स वर्सेस रेमबो पर्व लायंस। इसी मैदान पर अगला मैच होगा परिधि पेंटर्स वर्सेस रेमबो पर्व लायंस। तेजी के साथ लक्ष्य का पीछा यहां पर हो रहा है और पावर प्ले का सदुपयोग 15 रन 15 रन यहां पर हो चुके हैं और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी क्रिस्प सलामत है। अगली चुनौती होगी फुल टॉस बॉल। बल्लेबाज हालांकि थोड़े उत्तेजित हो गए हैं, अगर थोड़े ठंडे दिमाग के साथ बल्लेबाजी करें तो यहां पर कम से कम बड़े स्ट्रोक नहीं खेल पाए तो स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी रहेगा। इस बार पहले बाउंस के बाद गेम को रोका, एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी और दूसरे के साथ दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। दो रन और क्रीज में बल्लेबाज क्रीज में, तो दूसरे रन के लिए बहुत ही तेज दौड़ लगाई थी। दूसरे रन के लिए तेज दौड़ लगाते हुए दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 17। तो पहले दो ओवरों में साई वॉरियर्स ने भी 17 रन बना लिए थे, तो पहला शुरुआती खेल टाई साबित हुआ है। इस मैदान पर साई वॉरियर्स वर्सेस टिप टॉप टाइगर के बीच शुरुआत का खेल टाई साबित हुआ है। दोनों टीमों ने पावर प्ले के वक्त पर 17 रन बना लिए थे, फर्क विकेट का रहा। टिप टॉप 17 विदाउट लॉस, साई वॉरियर्स 17 पर रन। अब बॉलिंग चेंज, निर्मल अपना आक्रमण जारी रखेंगे लगातार बैक टू बैक ओवर। फुल टॉस गेम इस बार, एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी, बहुत ही आक्रामक फील्डिंग मिड विकेट से काउंट कॉर्नर की तरफ, वहां पर फील्डर तेजी के साथ आए, गेम को कब्जे में कर लिया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 16। अब लेफ्ट हैंडेड तरुण, और ये गेंद हवा में, लेकिन खतरा टला। काफी देर तक गेंद हवा में जरूर थी लेकिन थोड़े फील्डर पीछे थे और उन्होंने कोशिश जरूर की थी लेकिन कैच में नहीं परिवर्तित कर पाए अपनी शक्ति को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 19। लाइव टेलीकास्ट इस समय हो रहा है, हमारे स्कोरर है ऋषि, रोशन हमारे कैमरामैन और मयूर टेक्नीशियन है। और इस बार कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा, सिंगल, स्कोर 20 रन 20। तो लक्ष्य अब बहुत ही सहज लगता हुआ टिप टॉप टाइगर्स के लिए, पहले बहुत ही चुस्त गेंदबाजी और बहुत अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश किया था और अब प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी ने फूलों की सेज बिछा दी है 20 नगर को नुकसान की। राउंड द विकेट बॉलिंग और गेंद हवा में, इस बार हॉर्नी कॉटन बॉल, गेंदबाज ने कॉटन बॉल किया है तो पहला झटका लगा, आउट होने वाले खिलाड़ी थे तरुण 20 पर 1। तीसरा ओवर, पहली सफलता प्राप्त करने के लिए 3 ओवर तक इंतजार करना पड़ा। दो चौके के साथ कुल मिलाकर उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और उनका निजी स्कोर रहा
11 रनों का एक महत्वपूर्ण योगदान देकर वापस लौटे तरुण 11 रन। अब रनडाउन बल्लेबाज की भूमिका निभाने के लिए इस समय क्रीज पर आए हैं जयदीप विकेटकीपर, विकेटकीपर बैट्समैन जयदीप आए हैं अब क्रीज पर। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिला है, दोनों खिलाड़ी क्रॉस हो गए थे तो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग पर खड़े हैं जयदीप। स्ट्राइक संभालेंगे जिमी, इस सिंगल के साथ 9 पर पहुंच गए हैं जिमी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। टारगेट 43। और इस बार जयदीप हालांकि संभल कर नहीं खेल पाए थे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। तो 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से 21 रन बने हैं और उनका एक खिलाड़ी तरुण जो कि 11 रनों का योगदान देकर वापस लौट चुका है। इस समय क्रीज पर है जिमी और जयदीप और अब चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। करण आए हैं बॉलिंग पर, करण चौथे ओवर का प्रारंभ होगा। करण आए हैं अपनी बॉलिंग मार्क को नापते हुए। करण अपने स्पेल का ये पहला ओवर करेंगे, निर्मल संकेत और करण ये तीसरे गेंदबाज हैं। निर्मल अपना स्पेल खत्म कर चुके हैं, एकमात्र गेंदबाज जिनको विकेट लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है लेकिन इनका स्पेल खत्म हो गया है। शॉर्ट पिच बॉल और बहुत ही कड़ाके का शॉट लेकिन वहां डीप कवर के स्टैंड पर और गेंद कहां से फिसलती हुई, दोबारा गेंद को कब्जे में किया। ये बोनस रन, ये जो दूसरा रन मिला है ये बोनस रन था। 23, अब 20 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 20 रनों की आवश्यकता है और कुल मिलाकर 9 विकेट सुरक्षित। ये चौथा ओवर यानी कि पहला हाफ का ये अंतिम ओवर चल रहा है। अब पूरी तरह से धूप मैदान पर बिखरी हुई है और धीरे धीरे गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है। इस बार उछलती हुई गेंद, राइजिंग डिलीवरी आउटसाइड या स्टंप, ये बहुत ही खतरनाक गेंद होती है। स्कोर रिमेंस ऑन 23, फोर्थ ओवर इज इन प्रोग्रेस। द मैन ऑन स्ट्राइक ही इज जिमी, प्रारंभिक बल्लेबाज की भूमिका में क्रीज पर आए थे। अच्छा शॉट, पहले बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस बाउंड्री। 27, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरे विश्वास के साथ स्ट्रोक खेला था। सोलह रन चाहिए टारगेट को अचीव करने में। और इस बार लेट कट खेला सिंगल के साथ 28। बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर गेंद को रोक लिया था, वहां पर फील्डर मौजूद थे। अब जयदीप स्ट्राइक संभालेंगे, सिर्फ एक गेंद का सामना किया है जयदीप ने अब तक। ये दूसरी गेंद डॉट बॉल, ये दोनों डॉट बॉल खेली है उन्होंने अब तक, सिर्फ दो गेंदों का सामना किया और दोनों डॉट बॉल। जयदीप को भी अपना अकाउंट ओपन करना बाकी है। द मैन ऑन स्ट्राइक ही इज अ की प्लेयर ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑफ दिस टीम, ही इज मैन ऑफ क्राइसिस। और तीसरी गेंद पर आउट बगैर कोई रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया और बिना कोई योगदान दिए वापस लौटे तो जयदीप आउट हुए हैं। 28 पर लगने वाला ये दूसरा झटका, हालांकि अपने मंजिल से केवल 15 कदमों की दूरी पर हैं और चौथे क्रमांक का बल्लेबाज
कैच कौन जिले भाई चार ओवर की समाप्ति के बाद सात रन प्रति ओवर के हिसाब से 28 रन 28 पर टू स्ट्राइक पर अंकित नॉन स्ट्राइकर जिमी ने बॉलिंग पर कौन किया था और इस बार अंदरूनी किनारा लगा और बाजी देने के साथ एक रन के दाव पड़े दोनों खिलाड़ी और ये सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ी मिस फील्ड वहां पर हुई थी विकेट कीपर द्वारा। स्कोर लगा बढ़ता हुआ 19 रन 29। फील्डिंग के हर पहलू को कसना होगा। जब बैंक बैलेंस कम हो तो खर्चा भी कम होना चाहिए। और इस बार कलाई के सहारे बहुत अच्छी तरीके से गेंद को खेला जिमी ने। आज ऐसा लग रहा है जैसे इनके हाथ इस्पात से बने हुए हैं और इनके कलाई में बॉल बैरिंग जैसे फिट कर दी गई हो। कलाई के सहारे बहुत टॉप क्लास स्ट्रोक खेला उन्होंने। स्कोर पहुंचता हुआ 30 पर। अंकित तुम्हें ऑन स्ट्राइक। अच्छा शॉट और इसी के साथ अंपायर का 6 रनों का इशारा 36 रन 36 कंपल्सरी चेस 43 रन चाहिए। तो अब 7 रन 7 कदम दूर है अपनी मंजिल से। देखना होगा कि इसी ओवर में मैच समाप्त होता है या नहीं। तो परिधि पेंटर्स वर्सेस रंबो परलायंस के कप्तान यहां पर टॉस के लिए पधारे। परिधि पेंटर्स और रैम्बो पर लायंस के कप्तान प्लीज टॉस के लिए यहाँ पर आ जाए। आपने अनाउंस करी मुकुंद ये खाई थी हमें तो कहीं लो रैम्बो पर लायंस ने नोटिस ऑफ पहला अपने मैच चाल दी थी। हाँ ते भरा पता हमें जानो पर मने तो नहीं खबर ने और इस बार बैक टू डी बॉलर खेला। बैक टू डी बॉलर कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं कोई जल्दबाजी नहीं होगी। इस ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी है। लक्ष्य बहुत ही आसान है। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी ने एक सदी हुई शुरुआत दी थी। जिमी अभी भी क्रीज पर मौजूद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय बोल्ड और इसी के साथ आउट और इसी के साथ अंकित आउट। ये तीसरा झटका लगा 36 पर 3। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर अभी भी जो खिलाड़ी आउट हुआ है अंकित और अब योगेश 36 पर 3 सात कदम दूर है। योगेश आए हैं इस समय। योगेश ये बड़े बल्लेबाज है छोटे फॉर्मेट के बड़े बल्लेबाज है योगेश और बड़ा सिक्सर ये लगा सकते हैं। बॉलर कौन है करण के करण कंटिन्यू। पांच ओवरों की समाप्ति पर 36 तीन विकेटों के नुकसान पर अब करण जो कि आखिरी उम्मीद है इसी ओवर में कोई चमत्कार होना चाहिए वरना ऑल ओवर हो सकता है साई वॉरियर्स के लिए। पहली गेंद हॉरी आउट हॉरी से के साथ आउट तो जिमी आउट 36 पर 4 17 रन बनाकर आउट हुए जिमी। इस पारी का सर्वाधिक स्कोर 17 जिमी आउट ऑन 17। अब स्ट्राइक योगेश के पास है ये बड़े सिक्सर लगा सकते हैं। इज अ सिक्सर किंग लोकल बॉय सिक्सर किंग कौन है केतन जो इस समय क्रीज पर आए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अपना स्थान लेंगे वो केतन है।
ऑन स्ट्राइक इस समय योगेश के पास। योगेश को बड़े हिट लगाने में काफी दिलचस्पी होती है और ये हमेशा बड़े स्ट्रोक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए। ये छठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। योगेश द मैन ऑन स्ट्राइक। एक रन के लिए दौड़ पड़े दोनों खिलाड़ी। आउटफील्ड थोड़ा स्लो है। स्कोर 37। पहला रन का इजाफा हुआ है इस ओवर में। करण जो कि एक विकेट ले चुके हैं, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं इस समय साई वॉरियर्स। बहुत ही सोच समझकर फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं कप्तान। और इस बार हिट कर दिया। गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है और इसी के साथ अब अंपायर का इशारा आ रहा है 4 रनों का। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। अब 2 रन चाहिए। अब 2 रनों की आवश्यकता होगी। 41 स्कोर इसी के साथ 41। 2 रनों की आवश्यकता होगी। करण सबसे सफल गेंदबाज रहे जिनको 2 विकेट लेने का सौभाग्य मिला है और इसके अलावा निर्मल एक और राज भी 1 विकेट ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 विकेट का पतन हुआ है। जहां तक स्कोरिंग का सवाल है, जिमी 17 और तरुण 11 प्रमुख स्कोरर रहे हैं इस पारी में। केतन स्ट्राइक पर और फिर से गेंद को रोक लिया है। 42 स्कोर लेवल पर, लेकिन कंपलसरी चेज है यहां पर। तो स्कोर इस समय लेवल पर जरूर है लेकिन कंपलसरी चेज। द मैन ऑन स्ट्राइक योगेश। हल्के हाथों से गेंद को खेला। अगली गेंद तक इंतजार करना पड़ेगा विनिंग स्ट्रोक के लिए। दर्शकों को अगली गेंद का इंतजार करना पड़ेगा। स्कोर इस समय लेवल पर है 42। और इसी के साथ ये विनिंग स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो ये विनिंग स्ट्रोक टिप टॉप टाइगर्स बहुत ही आसानी के साथ 2 ओवर सुरक्षित रहते हुए 6 विकेटों के साथ ये मैच जीत लिया है। तो बहुत ही प्रभावशाली जीत रहा उनका।